अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जून माह में आचार्य जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए कृपया संपर्क करें। 5 व 6 जून चंडीगढ़, 7 व 8 जून दिल्ली, 9 व 10 जून मुंबई, 16 व 17 जून अहमदाबाद, 18 व 19 जून कोलकाता। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 9529020222। मेरे प्रिय साथियों, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। ये जो श्रावण मास आने वाला है, इसके लिए एक बहुत ही विलक्षण और चमत्कारिक उपाय। ऐसे मेरे भाई बहन जो तलाकशुदा हैं और ये चाहते हैं कि वो विवाह बंधन में बंधें, दूसरा विवाह उनका हो, न केवल विवाह हो बल्कि एक सफल विवाह वो साबित हो और जो जीवन साथी मिले वो प्रेम और सम्मान देने वाला हो। जी हाँ मित्रों, श्रावण मास एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जबकि भगवान शिव से दूसरी सभी मनोकामनाओं के साथ में कुछ यदि प्रयोग पूरी तौर तरीकों के साथ में किया जाए तो उसका बहुत शीघ्र लाभ मिलता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है और आशुतोष का अर्थ ही होता है कि जो जल्दी से संतोष मान ले, जल्दी से जो प्रसन्न हो जाए, उसी को आशुतोष कहा गया है। तो ये जो श्रावण मास इस बार आ रहा है, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये साफ कर दूँ कि इसको आप किसी भी वर्ष, मतलब आगामी वर्ष के भी श्रावण मास में आप कर सकते हैं। 28 जुलाई से ये 26 अगस्त तक श्रावण मास चल रहा है और मेरे पास में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे तलाकशुदा भाई और बहनों के कमेंट्स भी आ रहे थे, फ़ोन के माध्यम से भी बात हुई थी कि दूसरे विवाह की कोई एक ऐसा उपाय जो कि कारगर हो वो बताया जाए, तो उसी को आधार मान करके आज का एपिसोड बनाया गया है। हाँ, इसमें ये ज़रूरी है कि जो ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसका तलाक हो चुका है। तलाक की प्रक्रिया चलने वाले को ये नहीं करना है। तलाक हो चुका है, फॉर्मल पति पत्नी जो है वो अलग हो चुके हैं और अब अगर वो चाहते हैं कि दूसरी शादी करना है तो ये उनके लिए ही है। गौर से सुनिए, आसान है बिल्कुल। अब जो श्रावण मास आएगा उसमें 4 सोमवार हैं। प्रत्येक सोमवार को आपको जो भी आपके नज़दीकी शिव मंदिर है, शिव आलय है, वहाँ जाना है और वहाँ जो भी औपचारिक पूजा अर्चना है, जल चढ़ाना है वगैरह है, उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप मंदिर के ही प्रांगण में बैठकर एक माला जाप करें, ओम उमा महेश्वराय नमः। इसमें पार्वती और शिव दोनों का नाम है, दोनों के संगम की इसमें बात की गई है। तो ये जो कार्य है ये आपको प्रत्येक सोमवार को करना है, जो कि श्रावण मास में 4 सोमवार आएंगे उनको। इसके साथ ही 28 जुलाई जब से कि ये श्रावण मास शुरू हो रहा है, 26 अगस्त तक रोज़ाना आपको अपने हाथों से सुबह सुबह एक गाय और एक बैल को हरी घास समर्पित करनी है। ये प्रयोग है छोटा सा और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हुए केवल ये कामना करनी है कि पहले मेरे साथ में इस प्रकार की एक दुर्घटना घट चुकी है, भविष्य में ऐसा ना हो। साथियों, ज़्यादा तो नहीं परंतु इस अगर श्रावण में आप इसको करते हैं तो अगले श्रावण से पहले पहले आप विवाह बंधन में बंध जाएंगे और इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि यदि आप कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे तो किसी कीमत पर वो विवाह आपके पहले विवाह जैसा फैल नहीं होगा, कभी भी उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। तो इससे आप अवश्य लाभ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण जो कि है कमेंट का चरण।
आज हमने कमेंट शामिल किया है राज श्री जी का, जो कि हमें नागपुर महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। आपने लिखा है कि किसी कारण से पिछले वर्ष आपकी सरकारी नौकरी जो है वो छूट गई, तो अब क्या भविष्य में आपको वापस वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा और नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? अवश्य मिलेगी। अभी थोड़ा सा समय खराब चल रहा है आपको, आप निश्चिंत रहिए, ये सारी चीज़ें जिसकी आप कामना कर रहे हैं राजश्री जी, अवश्य मिलेगी। आपको करना केवल इतना है, रूटीन में एक चीज़ आपको शामिल करनी है, एक तो सूर्य को जल चढ़ाना, फिर आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना और सूर्य नमस्कार प्रॉपर तरीके से करना। ये अगर तीनों आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत है जो वापस आपको वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान प्राप्त करने से रोकेगी। तो साथियों, ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास, हमारा आर्य सत्य। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, बेहतरीन जीवन की तरफ आपको ले जाने में यदि ये सहायक है, तो सब्सक्राइब के साथ में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिए, जो कि आप ज़रूर करेंगे। आप स्वस्थ व समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।